लग रहा है कि मैं यहाँ की तारीफ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो है वो बता रही हूँ, वो भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा नहीं है कि इंडिया से मुझे प्यार नहीं है, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है और मैं इंडिया भी वापस जाऊँगी। हम अकेले भी जाएंगे, साथ में भी जाएंगे। सबको यही लग रहा है कि मैं यहाँ आकर यहाँ की तारीफ कर रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया भी बहुत खूबसूरत है, ये सारी एक ही जमीन है। बॉर्डर और ये सब जो भी है वो बाद की चीजें हैं। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, ये कहना है अपने प्रेमी के लिए सीमाएं लांघने वाली अंजू का, जो एक वीडियो में पाकिस्तानी लिबास में अपने देश के लिए प्यार जग जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है। प्यार भी क्या चीज है ना, कि लोगों की जबानी बदल देता है। ऐसा प्यार जिनके लिए उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। अंजू का हर रोज एक नया नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। किसी वीडियो में शादी के जोड़े में दिखाई देती हैं, तो किसी वीडियो में हरे रंग के सूट में पाकिस्तान की आजादी का पहले से ही जश्न मनाते हुए दिखाई देती हैं, और वो अपने हर एक वीडियो के अंत में यही दावा करते हुए सुनाई देती और दिखाई देती हैं कि वो जल्द ही भारत लौटेंगी, भारत उनके दिल में बसता है। यही लग रहा है कि मैं यहाँ की तारीफ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो है वो बता रही हूँ, और इंडिया भी खूबसूरत है अपनी जगह पे, वो सारी एक जमीन है। ये बॉर्डर ये तो बाद में हुआ है जो भी है, और वो भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा नहीं है कि इंडिया से मुझे प्यार नहीं है, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है और मैं इंडिया भी वापस जाऊंगी। हम अकेले भी जाएंगे, साथ में भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, और बस यही है कि जैसे मीडिया ने जो अफवाहें बनाई हैं निगेटिव वगैरह इस टाइप से, कि मेरी एक फ़ोटो एक वीडियो जाती है कि इसको तो कोई परवाह नहीं है, ना अपने देश से गद्दारी करी है, अपने बच्चों से ऐसे करिए, पर ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, लोग अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, निगेटिव नहीं। मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी की। अरे वाह, नसरुल्ला कहने वाली अंजू बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। अपने प्रेमी के चक्कर में पाकिस्तान जाने वाली अंजू का मन फिलहाल वहीं पे लग रहा है। बता दें कि खैबर पख्तूनवा में अंजू अपने आशिक के साथ रह रही हैं, जिसे वो सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। जो भी अंजू की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान में ही रच बस गई हैं और वो इस्लाम धर्म को अपना चुकी हैं। सुनहरे और नीले रंग की पोशाक में वो मास्क लगाए हुए नसरुल्ला के साथ बैठे हुए दिखाई दे रही हैं। निकाह के वायरल हुए इस वीडियो में अंजू और नसरुल्ला के साथ कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेमी जोड़ा निकाह के कपड़ों में क्या दिखाई दिया कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग अलग अलग तरीके के दावे करने में जुट गए हैं। कोई इस वीडियो को निकाह का वीडियो बता रहा है, तो कोई इसे रिसेप्शन का। हद तो ये भी हो गई है कि निकाह के बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया में अंजू को फातिमा भी कहा जाने लगा है। साथ ही नसरुल्ला ने अंजू का एक साल का वीजा बढ़वाया है। इस्लामाबाद में पाक विदेशी मंत्रालय ने तैयारी की, अंजू का वीजा एक साल के लिए बढ़ाने की तैयारी की गई है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्ला। वालेकुम सलाम। नसरुल्ला भाई, आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे आप क्या करने आए थे? यहाँ पे मैं वो वीजा एक्सटेंशन लेने के लिए आया हूँ आपकी मिसेस के लिए। जी ठीक। तो जो रिक्वायरमेंट्स मांगे थे वो मैंने पूरी कर दिए अभी, और इंशाल्लाह वन ईयर का वीजा मिल गया है। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन जी। थैंक यू। और कोई यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी? फुल कोऑपरेशन हो रही है हमारे साथ, और इदारे सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरे आपने इनको हैंड ओवर कर दिए? मांगे थे हमने पूरी कर दिए। और आपको उन्होंने लेटर का अभी बाय हैंड दिया? लेटर का भी है बाय हैंड नहीं, क्योंकि उनके कुछ प्रोसेस है, 10 डेज लगती है उसमें। अच्छा, मतलब आफ्टर 10 डेज आपको लेटर मिल जाएगा फॉर वन ईयर? जी मिल जाएगा। तो बहुत। वहीं इससे पहले भी अंजू के कई वीडियो नसरुल्ला के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें वो दोनों रोमांटिक जोन में दिखाई दे रहे हैं। अंजू के इस वायरल वीडियो को देखकर उसके पति और परिवार वाले तो आग बबूला हो गए हैं, लेकिन अब भी अंजू के पति अरविंद का यही कहना है कि वो अब भी अंजू के पति हैं, इसलिए वो किसी और से शादी नहीं कर सकती हैं। वहीं शादी को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह निकाह औपचारिक रूप से जिला अदालत में हुआ है।
बता दे कि अंजू जब भारत में अपने घर से निकली थी तो वो पति और परिवार को झूठ बोलकर निकली थी। जब अंजू के परिवार को असली मकसद का पता चला कि वो घूमने नहीं बल्कि प्यार के खुमार में अपने प्रेमी के लिए पाकिस्तान दौड़ी दौड़ी चली गई है तो परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन जाने के दो दिन बाद अंजू ने खुद का असली पता ठिकाना पति को फोन पर बताया। खैर, अंजू ने नसरुल्ला को कबूल है तो कह दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कितनी जल्दी भारत लौटती है। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।